अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपको कुछ बताना है, जल्दी आइए ना। वाह क्या बात है मून, आज तो तुम बहुत ज्यादा खुश हो। ऐसी कौन सी बात है मुझे बताओ। इन बुआ जी को ना सब कुछ अभी ही बोलना है, झूठ को भी सच मान के चल रही हैं। अरे भैया खुश होने वाली बात ही ऐसी है, तो मैं खुश भला क्यों ना हूँ। आप दादाजी बनने वाले हैं, ताई प्रेग्नेंट है। हो गया बेड़ा गरक। क्या सच में मून, मैं दादाजी बनने वाला हूँ। ओ माय गॉड आई एम सो हैप्पी। चंकू कहाँ है और जिन जिन कहाँ पर है, मुझे उससे बात करनी है। नामजुन मैं यहाँ पर हूँ। जिन जिन तुमको क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? आज खुशी के माहौल में तुम ऐसे आंसू क्यों बहा रही हो? मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है, कुछ बात है क्या, बोलो ना। हाँ आरम बात तो है, पर वो एक ऐसी बात है जो शायद मैंने आपको कभी नहीं बताई, और मैं चाहती थी कि मैं आपको कभी पता भी ना लगने दूँ, पर अब वो मेरे सामने आ चुकी है। मैं अब उसे और छुपा कर नहीं रख सकती हूँ, उसका जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। किस बारे में बात कर रही हो जिन, ऐसी कौन सी बात है जो तुमने मुझसे छुपाई है, बताओ क्या बात है जिन? एक्चुअली मेरे जो दादाजी थे उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे खानदान को एक श्राप मिला है जिसमें कोई भी पुरुष अच्छे से जी नहीं पाएगा। जिन ये क्या फालतू बातें कर रही हो, तुम्हारे 3 लड़के हैं तुम फिर भी? हाँ मुझे पता है मेरे 3 बेटे हैं। चंकू की हालत देख कर मुझे अब उस श्राप पे विश्वास हो रहा है, जो मेरे दादाजी कहते थे वो सब सच कहते थे। चंकू, चंकू को क्या हुआ है, कोई मुझे बताएगा यहाँ चंकू को क्या हो गया है? डैड वो जब हम चंकू के कमरे में गए तो फिर जिमिन आरम को सब कुछ बता देती है जो जो हुआ। जिन अगर चंकू ने ऐसी हरकत की भी तो तुम्हें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था, ना कि ये फालतू की शराब वगैरह की बातें करनी चाहिए। आपको मेरी बात पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो जाइए उसके रूम में खुद जाकर देख लीजिए। फिर आरंग गुस्से में जंगू के रूम में चला जाता है, उसे अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था जो जिन कह रही है। पता नहीं जंगू जी क्या कर रहे होंगे घर पर, कहीं वो मुझे कहीं ढूंढ ना रहे हों। पर वो मुझसे नाराज है ना, वो मुझे क्यों ढूंढेंगे? तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें कोई नहीं ढूंढ रहा है वहाँ। आप कौन है जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी मौत हूँ। देखिए प्लीज यहाँ से चली जाइए, मेरा दिमाग पहले से खराब है, आप और क्यों खराब करने में तुले हुए हो? अगर मेरा और ज्यादा खराब हो गया ना तो सच बता रही हूँ मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द होगा, और वैसे भी मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है जो मैं चली जाऊँ। तुम फिक्र मत करो, आज मैं तुम्हें इतना रिलैक्स कर दूंगा ना कि तुम बहुत गहरी नींद में सोओगी, और रहने की फिक्र तुम मत करो, वो तुम्हारी प्राइवेट जगह होगी। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, प्राइवेट जगह से आपका क्या मतलब है? मतलब ये कि मरने के बाद अपनी कवर में चैन से सोना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तुम्हें। जिन जिमिन तुमने कहा जंकुक अपने रूम में है? कहाँ है जंकुक, मुझे नजर नहीं आ रहा है। डैड थोड़ा संभाल के देखिए, आसपास ही कहीं होगा। शट अप जिमिन, चंकुक बच्चा नहीं है जो नजर नहीं आएगा मुझे, और अगर था भी वो रूम में तो कहाँ गया? वो इंसान है, बंदर नहीं जो कूद के कहीं भी चला जाएगा। डैड आप हमारी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो, हम झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं, हमने खुद अपनी आंखों से चंकुक को वैम्पायर बनते हुए देखा है। ओ प्लीज शट अप, तुम लोग पागल बन रहे हो या फिर मुझे बना रहे हो? जिमिन स्टॉप, तुम्हें कुछ भी कहने या समझाने की जरूरत नहीं है, लोग बात खुद समझ जाएंगे जब अपनी आंखों से देखेंगे। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारो, मुझे जीना है अभी, मुझे मरना नहीं है। प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मेरे पास मत आना प्लीज, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ। सही टाइम पर आ गए, अगर थोड़े से लेट और होते ना तो मैं बस इसका खेल खत्म कर ही देता। तुम्हारी यही गलती तुम पर भारी पड़ने वाली है, तुम्हें ऐसा गायब करूंगा इस दुनिया से कि तुम चाहकर भी इस दुनिया में नहीं आ पाओगे।
छीन लिया, मुझे मेरा जंगू चाहिए, मुझे मेरे जंगू के पास जाना है, मुझे जंगू चाहिए। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? वो मुझसे कितना प्यार करता था, तुमने उसे मुझसे छीन लिया। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मुझे अभी उसके पास जाना है। अब लगता है ये चुप नहीं होगी। अब मैं जो इसके साथ करने वाला हूँ उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल रहा हूँ। मुझे माफ कर देना ताए, आज जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। मैं तुमसे वादा करता हूँ आगे तुम्हें ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी मेरी वजह से। मुझे माफ करना। नामचुन डैन आप यहाँ? ओह फाइनली ताए तुम उठ गई बेटा। अब बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी मैं ठीक हूँ। मम्मी जी आप वहाँ गेट के पास क्यों खड़ी हैं? इधर आइए ना। ताए मैं जानती हूँ अभी तक जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया वो माफी के लायक नहीं है, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। मम्मी जी आप ये कैसी बात कर रही हैं? माफ तो वो लोग करते हैं जो गुस्सा होते हैं, मैं आपसे गुस्सा थोड़ी ना हूँ। ताई सच में तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है, तुमने यूं ही आसानी से मुझे माफ़ कर दिया और जबकि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पाई। तुम बहुत अच्छी हो सच में। जेन आप बस करो, हमें नीचे जाना है, पूरी फैमिली हमारा नीचे इंतजार कर रही है, वो ताई से मिलने के लिए बहुत बेताब है। चले हम? हाँ क्यों नहीं ताई, चले हम। पर एक मिनट, चंकू कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। वो ताए बात कुछ ऐसी है कि चंकू तुम्हें खुद से दूर रखना चाहता है। उसका मानना है कि अगर वो तुम्हारे सामने आएगा तो तुम डर जाओगी। वो ऐसा कैसे सोच सकता है मेरे बारे में? कहीं वो पागल तो नहीं हो गया? मैं उससे प्यार करती हूँ और हम जिस चीज़ से प्यार करते हैं उसे हर हालत में एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो कैसे ही क्यों ना हो। मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, वो मेरा प्यार है, मैं उससे दूर नहीं जा सकती। आप मुझे बताइए ना वो कहाँ पर है, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। सच में ताए आज तुमने मुझे एहसास करवाया कि प्यार हमेशा पर्सनैलिटी या स्टेटस देखकर नहीं किया जाता, इंसान का दिल देखकर किया जाता है। उसकी सोच कैसी है वो देखते हैं। तुम बहुत अच्छी हो ताए। जंगकुक नीचे गार्डन में है। ये सुनने के बाद ताए बिना किसी देरी के नीचे गार्डन में चली जाती है भागते हुए। हाय ताए कैसी हो? सॉरी भाभी पर मैं आपसे बाद में आकर मिलती हूँ, बाय। हाँ मैं कब से इंतजार कर रही थी और ये यूं ही चली गई। मुझे लगता है अब ताए मेरे पास कभी वापस नहीं आएगी क्योंकि मैं एक वैम्पायर हूँ। उसे लगता है मैं उसे नुकसान पहुँचा दूंगा, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा उसके साथ। वो क्यों सोचती है ऐसे मेरे बारे में? वो मुझसे इतना क्यों डरती है? मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे ये सच्चाई बताना नहीं चाहता था, पर मैं क्या करूँ अब। जानको तुम यहाँ पर हो? ताए तुम यहाँ? ताए देखो तुम्हें मुझसे डरने। मुझे पता है तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो, पर तुम चिंता मत करो, मैं हर हालत में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मुझसे दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। थैंक यू सो मच। ओके आर्मी, हम इस स्टोरी को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सबको ये अच्छी लगी होगी एंड सॉरी मैंने इतना लेट लेट स्टोरी को डाला। और मैं सच बताऊँ तो मेरी हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं ये स्टोरी नहीं दे पा रही थी। यही क्या मतलब मैं कोई सी भी नहीं दे पा रही थी, तो अब मैं जो हेल्थ इशू जो मुझे था वो मेरा ठीक हो चुका है, तो मैं अब स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी और स्टोरी के बाद मैं कोई अच्छी सी स्टोरी अपलोड करूँगी। और उससे पहले मैं आपको मेमोरी लॉस लव का पार्ट दूँगी, मतलब पहले उसे एंड करूँगी, उसके बाद मैं कोई न्यू स्टोरी लाऊँगी और फिर एक वन शॉट। ओके।